लास्ट टाइम पढ़ रहे थे सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास। सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास में क्या डिफरेंस बताया था मैंने, कोई बता सकता है? सूडो एलिमेंट जो होता है वो जब वंस स्क्रीन पे रेंडर हो जाता है ना, वो चेंज नहीं होता, वो उसी तरह रहता है। ऑन अदर एंड सूडो क्लास जो होती है वो क्या होता है, जैसे हवर है, ये एक सूडो क्लास है, जब हवर होगा तो वो शो होगा, हटा दोगे गायब हो जाएगा, सही? इसी तरह विजिटेड ये क्या है, सूडो क्लास है ये, क्योंकि शुरू में जब रेंडर होगा पेज तो वो किसी और कलर में होगा, वंस वो क्लिक करोगे आप विजिटेड होते ही वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो क्लास वो होती है जो ऐसे रिप्लेस हो रही होती है, आगे पीछे हो रही होती है। एलिमेंट ऑन अदर एंड वो एलिमेंट पे हार्ड कोडेड हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक अदर CSS। तो ये डिफरेंस है सूडो क्लास में और सूडो एलिमेंट में। अच्छा, इस बुक में जाहिर है तमाम सूडो क्लासेस का या तमाम सूडो एलिमेंट्स का जिक्र नहीं है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इन्होंने जिक्र किया है, इसके अलावा भी है, ठीक है? फुल लिस्ट अगर आपको देखनी हो सूडो क्लास की या सूडो एलिमेंट्स की, सूडो क्लासेस लिखा मैंने, MDN साथ में लिखा, सही है? अच्छा, ये इसका स्पेलिंग ये होती है सूडो की ना, इसको पसीडो लिखते हैं लेकिन पी साइलेंट है इसका, सही है? पी भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है, उसको SUDO वाला हिसाब किताब है इसका। तो ये मैं क्लिक करूँगा ना तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, है? ये तीन ही क्यों आ रहे हैं सिर्फ? इंटरनेट स्लो हो गया, खुल जा सिम सिम। यार एक लिस्ट थी यहाँ पे, लिस्ट एक हुआ करती थी। हाँ, ये आ गई लिस्ट। डिस्कनेक्ट हो गया। सही है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने एक लिस्ट यहाँ पे बना के बता दी है कि भाई ये चीज़ें होती हैं किसमें भला, सूडो एलिमेंट्स में, राइट? ये सूडो एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है? आफ्टर है, अब ये एक एक करके आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ इसमें नए वाले हैं बिल्कुल, जो एक्सपेरिमेंटल हैं, सही है? ये लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके पास, स्पेसिफिकेशन, ठीक है? ये टी तक है, ये टारगेट टेक्स्ट सेलेक्शन। अच्छा, इसमें आप नोट करें, सूडो एलिमेंट को ना ये डिनोट कर रहे हैं दो कॉलम से, सही है? ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑन अदर एंड अगर CSS में आप एक कॉलम भी लगाएं तो वो काम सही करेगा, ठीक है? लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा उसको दो डॉट लगा के करते हैं, और CSS में भी दो डॉट लगा दें तो सही है, ना लगाएं तो भी ठीक है, एक डॉट भी इनफ है। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना वो सूडो क्लासेस, स्लो चल रहा है, स्लो जा रहा है, राउटर इनका ठंडा हो गया है यार, ये क्या हो रहा है? आया, ये क्या हो गया यार इसको? आप चल गया शायद। अच्छा, तो ये सूडो क्लासेस की भी इसी तरह यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, इसमें भी ना पूरी लिस्ट है, देख रहे हो? फुल स्क्रीन देखो, सिंगल कॉलन लगा के बताया हुआ है इसको, ठीक है? मॉडल, पिक्चर इन पिक्चर, पिक्चर इन पिक्चर अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है HTML5 में, आपको पता होगा, पता है ना पिक्चर इन पिक्चर क्या चीज़ होती है? नहीं पता? नहीं, हर में ब्राउज़र की बात हो रही है अभी, फ़ोन्स की बात नहीं हो रही, फ़ोन्स में भी आ गया वैसे वो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ना, मैं इसमें लिखता हूँ MKBHD और YouTube, ताकि मैं डायरेक्ट उसी के चैनल में लैंड करूँ, ठीक है? अब यहाँ से मैं रैंडमली कोई वीडियो चला रहा हूँ, ठीक है जी? ये रिसेंटली इनकी वीडियो आई है, अभी इस वीडियो पे अगर आप राइट क्लिक करते हो ना, अबे यार ऐड इनको पहले दिखाना होता है, तो ये मैंने ऐड स्किप कर दिया।
अभी इसकी वीडियो पे अगर राइट क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो देखो पहली दफ़ा राइट क्लिक करने पे तो इनका अपना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी शो हो रहा होता है, लेकिन जब सेकंड टाइम राइट क्लिक करेंगे ना तो पिक्चर इन पिक्चर यहाँ पे दिख रहा होता है, तो उसको पिक्चर इन पिक्चर करेंगे तो ये फिर यहाँ पे साइड पे आ जाता है। सही है, तो अब ये पिक्चर इन पिक्चर ज़ाहिर है वीडियो पे ही अप्लाई होगा। आपका जितने भी HTML5 के जो प्लेयर्स होते हैं, जो अभी हम वीडियो का टैग हमने देख लिया ना HTML में, तो वीडियो के टैग पे आप राइट क्लिक करते हैं तो पिक्चर इन पिक्चर उसमें आता है। HTML5 की स्पेसिफिकेशन में ये ऐड हो चुका है, तो जितने भी ब्राउज़र ये क्लेम करते हैं कि हम HTML5 को सपोर्ट करते हैं, उसमें ये पिक्चर इन पिक्चर है। सही है। ऑन अदर एंड जो मोबाइल डिवाइसेज हैं उसमें कुछ डिवाइसेज में उन्होंने दिया है, कुछ में नहीं दिया, ठीक है। ब्राउज़र में ऑन अदर एंड ये चीज़ आ चुकी है, चाहे आपके पास कोई सा भी कंप्यूटर हो, ब्राउज़र अगर नया वाला है तो ये चलेगा उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना बहुत सारी है, ऑटो फिल है, इनेबल है, डिसेबल है, ठीक है। कि बटन के डिसेबल होने पे जो एक स्टाइलिंग उस पर लगी हुई होती है, ऑब्वियसली कोई बटन होता है उस पर मैं डिसेबल ट्रू कर दूँ एट्रीब्यूट में, तो वो डिसेबल की एक स्टाइलिंग होती है ना अपनी, तो अब उस स्टाइलिंग को आपने चेंज करनी है। आप चाहते हैं कि जैसे ही डिसेबल हो ना इसका कलर जो है वो ऑरेंज हो जाए बटन का, तो वो काम आप इससे डिसेबल से कर रहे होते हैं। इसी तरह ये काफ़ी सारे हैं, आप एक एक करके आप इनकी लिस्ट को पढ़ सकते हैं। मैं इन दोनों लिंक्स को यहाँ पे लगा भी देता हूँ, किस में लास्ट क्लास के कोड में ही लगा देता हूँ। सही है, ये सूडो क्लासेस आ गई आपकी, और ये मैं एक बैक करूँगा तो ये सूडो एलिमेंट्स में पहुँच जाऊँगा मैं। सही है, ये दोनों का लिंक मैंने लगा दिया, आप चाहें तो इसको जाके इसमें स्टडी कर सकते हैं मज़ीद। वापस हम बुक में आ जाते हैं। अच्छा, स्टाइलिंग लिंक्स इसने बताया, इसने बोला भाई लिंक जो होता है और विजिटेड जो होता है, यानी लिंक के तीन चार स्टेट्स होते हैं, कि एक तो वो जब पेज रेंडर होता है तो लिंक बना हुआ होता है एक ख़ास तरह का ब्लू, उस पर कलर अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो फिर उसके बाद जब उसको क्लिक करते हैं तो एक कलर होता है, यानी जब क्लिक दबाया हुआ होता है जब तक तो एक्टिव उसमें आ रहा होता है। हाँ, ये पढ़ लिया हमने, बस वही हम रिवाइज़ कर रहे हैं, सेम पेज पे आ जाए ताकि वार्म अप हो रहा है। और फिर जब छोड़ देते हैं यानी विजिटेड हो जाता है, तो वो तीन चार एक अलग अलग स्टेट होती है, तो लिंक पे इसलिए इन्होंने इसको चला के बताया कि इसमें तीनों चारों स्टेट कवर हो जाती हैं। अच्छा जी, होवर हमने देख लिया, ठीक है। होवर चला के देखा किसी ने? आपने चला के देखा, ठीक है। किसी भी चीज़ पे हम बल्कि आते हैं, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं जिस पे हम, हाँ यार ये क्या हो रहा है, ये खुद से बंद नहीं हो सकता यार, खुद से कैसे बंद हो रहा है ये खुद से बंद नहीं होता यार, कोई किसी दूसरी क्लास में ना गलती से हमारे वाले पे बार बार क्लिक कर दे रहा है शायद, यहां से बैठा हुआ तो नहीं कर रहा कोई। यहाँ वाले पे वैसे जिस वाईफाई पे तुम लोगों को उस पे ये शो नहीं होता होगा, उस वो डिफरेंट नेटवर्क है, ये वाला डिफरेंट नेटवर्क है। अच्छा जी, तो इसी गूगल फॉन्ट वाली क्लास में ही आके ना यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, जो हमारी ये H1 की हेडिंग है, मैं यहाँ पे स्टाइल पे आके बोलता हूँ H1, और मैंने कहा कलर इसका हो जाए रेड, ठीक है। तो इस H1 का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर जब मैं कर्सर लेके जाऊँ तो इसका कलर कुछ और हो जाए, ठीक है, परमानेंट रेड ना हो, जब कर्सर लेके जाऊँ ना जब रेड हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं जस्ट H1 नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे कॉलन लगा के, अच्छा देखो यहाँ पे जैसे ही मैं कॉलन लगाता हूँ ना मुझे ये सारे ऑप्शन भी ये शो कर देता है, ये जितने भी हैं ना क्यू और ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन और ग्रामर श्रामर जितने भी हैं ये सब यहाँ पे भी शो कर रहा है। ये फीचर कहाँ से मिल रहा है मुझे, ये VS कोड का जो इंटेलिजेंस है वो मुझे ये फीचर दे रहा है। तो देखो अब जब इस पर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये होता है। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं कर्सर यहाँ लेके जाता हूँ ना तब भी ये रेड हो जाता है, क्योंकि H1 का एलिमेंट पूरे पे होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार यहाँ ले जाने पे ना हो तो आप इसकी विड्थ कम करेंगे फिर, सही है, विड्थ कम कर देंगे तो फिर जहाँ तक विड्थ होगी वहीं तक ये वो काम करेगा। अच्छा, फिर इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि जब इसमें मैं कर्सर देखो लेके जाता हूँ ना तो कर्सर इस पे जाते ही ना ऐसे बन जाता है बीम, आई बीम बन जाता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे कर्सर ये वाला ना बने, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्सर, ठीक है, और कर्सर के बाद जितने भी अलग अलग तरह के कर्सर होते हैं उन सबका यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो लगाओ, डिफ़ॉल्ट नहीं, एरो जो डिफ़ॉल्ट होता है, सही है, ये जो इस वक्त एरो है ना ये वाला, जो ये दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कर्सर,
ठीक है, तो ये देखो डिफॉल्ट ही रहेगा यहाँ पे। तो किसी भी एलिमेंट पे होवर करने पे कर्सर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है कई दफ़ा। तो अच्छा, कर्सर MDN, ये मैंने कर्सर लिखा है और साथ में MDN लिखा है, तो आपको ना ये तमाम तरह के कर्सर जो है यहाँ पे नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो नहीं यार, ये वाला वो नहीं है डॉक्यूमेंट जहाँ पे मैं आना चाह रहा था। कर्सर स्टाइल्स, हाँ ये डिजिटल ओशियन का एक आर्टिकल है, ये मैं रिसेंटली देख रहा था। तो इन्होंने बड़ा अच्छा डेमो बना के रखा हुआ है यहाँ पे कि भाई ऑटो पे जो है ना ये होगा, डिफॉल्ट पे भी ये होगा, नन पे गायब भी हो जाएगा ये। ठीक है, पॉइंटर, ऑल स्क्रॉल, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, हेल्प, वेट, प्रोग्रेस, देख रहे हो, टेक्स्ट, ये जो था ये टेक्स्ट था, वर्टिकल टेक्स्ट, ये सारे तरह के कर्सर इन्होंने बना के ना एक लिस्ट की हुई है यहाँ पे। तो ये भी मैं आपका जो आर्टिकल है ना इसका लिंक भी इसमें ऐड कर देता हूँ, देख रहे हो, ये तमाम तरह के वो मौजूद हैं, रीसाइज रीसाइज रीसाइज, चार तरह के रीसाइज हैं हमारे पास। ठीक है, ये तमाम तरह के कर्सर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोई बिल्कुल ही आपका रैंडम कोई इमेज लगानी है आपने तो वो आप इस तरह करके लगा सकते हैं, वो भी इन्होंने यार डिस्कस किया है, अभी आगे ये बुक में भी डिस्कस होगा कर्सर्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही एक इसने कस्टम इमेज लगा के यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं इसका ये कॉपी कर लेता हूँ आर्टिकल, और कॉपी करके आर्टिकल ये कर्सर के ही आगे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये इसमें कॉमेंट कैसे होता है भला? ऐसे होता है, जो कर्सर डिफॉल्ट लिखा है मैंने वहाँ पे ये लगा दिया कि कर्सर कैसे काम करता है। अच्छा जी, इसी तरह एक्टिव और फोकस भी काम करेंगे डॉट लगाकर। अब हमारे पास एक चीज़ है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, हमने पहले जो है ना सेलेक्टर पढ़ा था, एलिमेंट वाला सेलेक्टर था वो, एलिमेंट के नाम से और एलिमेंट की जो है ना अच्छा, अब ये एट्रीब्यूट वाला सेलेक्टर है। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर आईडी का एट्रीब्यूट लगा हुआ हो जस्ट, उस पर कुछ आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कैसे करके इसने बताया हुआ है, ये रहा, मैचेज अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। अच्छा, अब अगर आपने लिखा है पी और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखा है क्लास, तो ये क्लास का एट्रीब्यूट जिस एलिमेंट पे मौजूद होगा, लिखा हुआ है इन्होंने कि टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विच विथ एन एट्रीब्यूट कॉल्ड क्लास। कोई भी ऐसा पैराग्राफ का एलिमेंट जिस पे क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ होगा, वैल्यू की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ पर, वैल्यू कुछ भी हो, एट्रीब्यूट क्लास का मौजूद होगा उस पर ये लग जाएगा। यानी जब इस तरह करके टारगेट करेंगे तो वो सारे पैराग्राफ आ जाएंगे जिसपे क्लास का एट्रीब्यूट एटलीस्ट मौजूद है, वैल्यू क्या है डजेंट मैटर। अच्छा, इसी तरीके से देखो, अब अगला है यहाँ पे, अगर इस तरह करके लिखोगे कि पैराग्राफ जिसपे क्लास हो एंड उसकी वैल्यू डॉग हो, सही है, टारगेट्स एनी पैराग्राफ एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट कॉल्ड क्लास वोज वैल्यू इज डॉग। अब ये तमाम उस पर नहीं लगेगा पैराग्राफ पे जिस पे क्लास मौजूद है, बल्कि अब ये ऐसा पैराग्राफ ढूंढेगा जिसमें क्लास भी मौजूद है और उस पर डॉग भी लगा हुआ है उसकी वैल्यू में। ठीक है, अच्छा अब देखो ऐसे, अच्छा ये सिर्फ क्लास के एट्रीब्यूट की बात नहीं हो रही, आईडी एट्रीब्यूट भी अगर यहाँ पे लगाओ, आप लिखो आईडी इक्वल्स टू एबीसी, तो ऐसे एलिमेंट पर लगेगा जिस पर आईडी एबीसी लगी हुई होगी। ठीक है, अच्छा आप आईडी और क्लास को अलग से भी टारगेट कर सकते हैं, डॉट लगा के आप क्लास करते हैं और हैश लगा के आप आईडी करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अवे। अच्छा, इस तरह करके अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसने एक हाइफन ऐड किया हुआ है इक्वल से पहले, तो ऐसे करके लिखने से क्या होगा, टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट कॉल्ड क्लास वोज वैल्यू इज अ लिस्ट ऑफ स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स वन ऑफ विच इज डॉग। आमतौर पे क्लास ना एक से ज़्यादा लगी हुई होती है एक एलिमेंट पर, ठीक है, एक एलिमेंट पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक एलिमेंट पर एक ही क्लास लगी हुई है, आमतौर पे एक से ज़्यादा क्लासेस होती हैं। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने ऐसे करके लगाया होगा ना डॉग, और एलिमेंट पे कल को क्या हुआ,
कि डॉग के साथ स्पेस दे के मैंने रेड भी दे दिया कि रेड वाले से उसकी प्रॉपर्टी ले ले और डॉग वाले से उसकी प्रॉपर्टी ले ले, ठीक है। हम दो से तीन क्लासेस, मिसाल के तौर पे एक क्लास मैंने ऐसी बनाई है जो क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है, उसका मैंने नाम रख दिया इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक क्लास मैंने ऐसा बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया कि सब टाइटल। अब सब टाइटल जो उसको कैपिटलाइज कर देता है, तमाम कैपिटल उसको, तो मैं किसी भी एलिमेंट पे दोनों लगा सकता हूँ ना, मैं कहूँगा हाईलाइट और सब टाइटल दोनों लगा सकता हूँ मैं, दोनों अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और स्पेस सेपरेटेड लगाते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट पे मुझे दो क्लास लगानी है तो मैं स्पेस सेपरेटेड लगाता हूँ, ठीक है, ताकि उसको मतलब HTML को ये पता चले कि अच्छा ये दो अलग अलग क्लासेस हैं। कॉमा सेपरेटेड नहीं लगाते, ठीक है, स्पेस सेपरेटेड होता है ये। अच्छा, तो ये वाला क्या करेगा, उस स्पेस सेपरेटेड लिस्ट को ना, उसमें से कोई एक अगर मैच हो गया ना डॉग से, तो ये समझेगा कि हाँ यार इस पे अब लगाना है मैंने। अच्छा, इस तरह करके अगर लिखेंगे हम तो ये क्या करेगा, टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट वोज वैल्यू बिगिंस विथ लेटर डी। अच्छा, ये जो इसने लिखा है ना ATTR, ये ATTR को एज इट इज लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये इसने लिखा है कि एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे, क्योंकि शुरू में इसने दे दिया ना कि भाई क्लास, तो अब ये बार बार क्लास को लेके चलना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए इसने इसने बोला एट्रीब्यूट का नाम होगा यहाँ, ठीक है। तो ATTR की जगह ID का एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है जो आपने उस पर अप्लाई किया हुआ, ठीक है। प्लेस होल्डर इज एन एट्रीब्यूट, इसी तरीके से आपका जो वैल्यू होता है, नेम होता है, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनपुट बॉक्सेस में हम लगाते रहेंगे। तो किसी भी किस्म का एट्रीब्यूट का नाम होगा यहाँ पे, ATTR इज नथिंग, ये इसने प्लेस होल्डर के तौर पे लिखा है। तो इसने कहा कि भाई टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट वोज वैल्यू बिगन्स विथ डी, ठीक है, जो एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो वैल्यू, मिसाल के तौर मैंने क्लास मैंने लिखा है डॉग, तो वो डी से स्टार्ट होता है तो उस पर अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। अगर किसी पे कैट लिखा होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो डी से स्टार्ट नहीं हो रहा। अच्छा, टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट वोज वैल्यू कंटेन्स द लेटर डी ओ। ये डी ओ जो है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम, यानी कि क्लास या ID XYZ कोई भी एट्रीब्यूट का नाम, उसकी वैल्यू में किसी भी जगह पे दरमियान में डी और ओ अगर एक साथ आता हो उसके अंदर, उस पर ये लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये भी डॉग पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डॉल्फिन पे भी अप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसमें भी डी ओ आता है कहीं पर, ठीक है। टू डू पे भी अप्लाई हो जाएगा, टू डू अगर नाम है क्लास और उसके अगेंस्ट टू डू लिखी हुई वैल्यू में, उसमें भी डी और ओ एक साथ आते हैं, उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर इस तरह करके लिखते हैं तो टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट वोज वैल्यू एंड्स विद लेटर जी, ठीक है, ऐसे डॉलर करके लिखेंगे तो एंड्स विद जी होगा ना, उस पर अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने क्लास लिखा हुआ है फ्लैग, तो फ्लैग एंड्स विद जी, उस पर भी अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। या मैंने डॉग लिखा हुआ है तो वो भी जी से एंड होता है, उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ मज़ीद सेलेक्टर्स हैं जो एडवांस किस्म की CSS में ना आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि कोई भी सेलेक्टर आपको ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश नहीं करनी है, सही है। जो काम क्लास से हो रहा है, जो काम ID से हो रहा है, आपने उससे करना है वो काम। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये सेलेक्टर आपको ना, एटलीस्ट आपके जहन के किसी गोशे में ये बात होनी चाहिए कि ये सेलेक्टर मौजूद हैं, समझ रहे हो। ये बुक पढ़ने का ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट नोइंग द टूल्स, नोइंग द अवेलेबल टूल्स, आपको पता हो कि क्या टूल्स अवेलेबल हैं, सही है। इट्स ऑल अबाउट, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, असल में तो प्रैक्टिस से सीखता है बंदा, पढ़ाई से थोड़ी सीखता है। मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाता रहूँगा, इससे सीख थोड़ी जाएंगे, आप तो प्रैक्टिस से सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको क्या करूँगा, जो डिफरेंट टूल्स है उससे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ना, बुक भी यही कर रही है। बुक ने ये क्या किया, बुक ने टूल्स बताए कि अच्छा ये भी मौजूद है, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। तो अब जब भी आपको कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके जहन में ये टूल्स मौजूद होने चाहिए। जैसे मैं अक्सर कारपेंटर की मिसाल देता हूँ इसमें, अब कारपेंटर को लकड़ी को दो टुकड़े करने हैं काट के, तो वो किस चीज़ से करेगा, आरी से करेगा, सही है। उसको ये पता है कि मेरे पास आरी मौजूद है, उसको कील ठोकनी है तो हथौड़ी से ठोकेगा वो, कील निकालनी है अगर उसको ठुकी हुई कील, तो हथौड़ी में ही वो टूल मौजूद होता है, ठीक है। देखो इतना आपको भी पता है कि कारपेंटर के भाई ये टूल्स मौजूद हैं। अब इमेजिन करो वो टूल का उसको पता ही ना हो,
मुझे मिसाल के तौर पे ये नहीं पता था बहुत अरसे तक कि वो कील निकालने के लिए होता है वो, तो मैं प्लास से खींच के निकालता था कील। नतीजा ये होता था कि दीवार में ठुकी हुई कील या किसी टेबल में ठुकी हुई, वो टेबल का भी बेड़ा गर्क हो जाता था, कील का भी बेड़ा गर्क हो जाता था, और समटाइम चोट भी लग जाती थी प्लास से खींच के कील निकालने में। है निकाला किसी ने प्लास से खींच के कील बाहर? ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये टूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो कील निकल प्लास से भी रही है, ऐसा नहीं है कि वो निकलेगी नहीं, आप जान लगाओ निकलेगी क्यों नहीं, चोट लगेगी जो भी होगा लेकिन कील निकल जाएगी। लेकिन करेक्ट टूल अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, काम नफासत से होता है और एफिशिएंटली होता है, चोट नहीं लगती आपको, आप भी फ्रेश रहते हैं। ठीक है, तो अभी मिसाल के तौर पे जो पहले ये दीवारें तोड़ते थे वो हथौड़े से तोड़ते थे, अब उसके लिए भी एक टूल आ गया है। मैंने रिसेंटली देखा, वो ऐसे एक ड्रिल मशीन की तरह होता है, वो थोड़ा सा अंदर बाहर होता रहता है, उसमें कील होती है मोटी सी, और वो जब ऑन करते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा अंदर बाहर होता है यूँ, और पता नहीं वो क्या बड़ी जानदार मशीन होती है, वो ऐसे 2 मिनट में पूरी दीवार तोड़ देते हैं यार वो, और ऐसा क्लियरली वो मिसाल के तौर पर दीवार में चकोर सुराख करना था बोर्ड लगाने के लिए, उसने यार क्या बेहतरीन ज़बरदस्त सुराख किया, वरना हथौड़े से तो ही होता है वो, मारो पूरे पे ही क्रैक आ जाता है ना, वो गन होती है जो बड़ी वाली, उसको गन कहते हैं हथौड़े को, वो पूरी दीवार ही क्रैक आ जाती है, बेड़ा गर्क हो जाता है, वो इतना शार्पली उसने चकोर सुराख बनाया, उससे ज़बरदस्त हो गया। तो टूल्स आपको पता होने चाहिए कि लेटेस्ट टूल्स क्या अवेलेबल है। अभी रिसेंटली मैंने वो देखा, उसके बॉक्स में जो आता है ना, जो उसके पास बॉक्स तो सारी चीज़ें होती है उसमें, उसमें मैंने देखा एक टेस्टर ऐसा पड़ा हुआ था उसके पास, जिसमें आगे वो नोक नहीं थी जो लोहे वाली नोक होती है, और उसमें टेस्टर में टच करने की ज़रूरत ही नहीं थी उसको, वो दूर से ही बता रहा था। तो उसने क्या किया, बोर्ड में जैसे अब कंसील्ड वायरिंग होती है आजकल, अब बोर्ड तो लगा हुआ है दीवार में, अब किसी ने की है वायरिंग, अब वो बोर्ड में तार ऐसे गुजरी हुई है, कैसे गुजरी हुई है, कहाँ से तोड़ेंगे दीवार को तो वो तार बाहर निकलेगी, ये तो पता चल ही नहीं सकता, ये कैसे पता चलेगा भाई। अब क्या करोगे इसके लिए, इसका तो कोई तरीका नहीं है। इसके लिए तो ये तरीका है कि मैं हर थोड़े तो 1-1 इंच के फासले पे ना एक एक हथौड़ा मार के सुराख करके देखूं, कहीं ना कहीं पे वो टकर जाएगा, और पता चला वो मारने के चक्कर में वो तार भी गई बेड़ा कर, पता चले वो फिर पूरी वायरिंग खोलनी पड़े। उसके पास एक टेस्टर था, उसने वो बटन ऑन किया, बोर्ड में करंट आ गया ना, सॉकेट होता है, सॉकेट से सॉकेट पे टच करने की जरूरत नहीं है उसको, सॉकेट से आधे सेंटीमीटर की दूर से ही वही करंट डिटेक्ट कर रहा है और बीप कर रहा है, और बस उसने वो दीवार पे जो है ना, उसको जैसे इमेजिन करें कि ये बोर्ड लगा हुआ है, अब उसने क्या किया, ऐसे ऐसे घुमा रहा है यहाँ पे ना, बस यहाँ पे वो बीप करने लग गया, अब उसने ना पेन से लकीर मारी, ऐसे यूँ बीप करते हुए जा रहा है यहाँ पे, यूँ ऐसे बीप करते हुए जा रहा है, उसने पूरी लकीर लगा दी, उसने कहा यहाँ से जा रही है तार। टूल का पता होना ज़रूरी है आपके। अब ये वाला जो टूल है, किस किस को पता था यहाँ पे कि ऐसा टूल भी अवेलेबल है? नहीं पता था, पढ़ा है आप, एजुकेशन आपकी उससे रिलेटेड है? आवाज़ नहीं आई तुम्हारी मुझे? नहीं पढ़ने की बात नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन की बात है ना, हमारे घर पे जब इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं काम कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं। हाँ क्लैम्प, क्लैम्प मीटर नहीं, क्लैम्प के लिए तो फिर तार होनी चाहिए, ये सही कह रहा है, क्लैम्प से भी हो जाता है काम, लेकिन क्लैम्प का मसला ये है कि वो ऐसे रिंग होती है क्लैम्प, उसके दरमियान से जब गुजरेगी ना तार, जब कनेक्ट करता है वो, ऐसे नहीं करता, तो क्लैम्प से ये काम नहीं हो सकता है ना। क्लैम्प देखा है किसी ने? क्लैम्प भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये होता है क्लैंप मीटर, ये ऐसे एक रिंग सी होती है, इसको दबाते हैं ना तो रिंग खुल जाती है ये, और इसको डाल के तार के दरमियान में तो ये वोल्टेज, एम्पेयर, वोल्टेज वैच सब बता देता है वो। ठीक है, अब उसका मुझे टूल का नाम नहीं पता, वो जो मैं बता रहा हूँ ना टेस्टर, एक नए तरह का क्या करंट करंट टेस्टर, ये रहा, इस तरह का था वो टूल, इस तरह का था वो टूल एग्जैक्टली, बल्कि मुझे शायद दिख भी गया, ये यही था उसके पास, यही था एग्जैक्टली, यही था, इसके आखिर में देख रहे हो प्लास्टिक के निब है, ये लोहा है ही नहीं, और ये थोड़ी दूर से करता है, और इसके और एडवांस भी आते हैं जो 1 फिट दूर से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं।
एक फिट दूर से वो करंट डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे करंट है, जो मतलब ज़मीन के अंदर से गुजरी हुई तारें होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, या कोई बहुत ज़्यादा थिक वॉल है उसके पीछे है, या कोई डब्बे के अंदर कोई तार है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कि वो कहाँ से गुजर रही है। समटाइम्स फॉल सीलिंग के अंदर से चीज़ें जा रही होती हैं तो उसको तोड़ नहीं सकते, बट ऊपर से ही डिटेक्ट करना है कि कहाँ तक करंट आ रहा है, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है। इमेजिन करो ना, 2 किलोमीटर मैंने ज़मीन के अंदर से तार खींची हुई है बिजली की, अब वो बीच में से कहीं से डिस्कनेक्ट हुई है, अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो एक फिट दूर तक उसको डिटेक्ट करता है, ऐसे आप ज़मीन पे रखते रखते जाओ बीप करता जाएगा वो, जहाँ बीप रुक गया वहाँ से डिस्कनेक्ट है, बस वहीं पे खोदो सेट कर लो उसको, सही है। तो ये जो हम CSS में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये वाली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर जगह इसको अप्लाई कर देना है और किसी तरह घुसा देना है बस ताकि इसकी प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करनी है आपने, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए ये पता होना ज़रूरी है कि ये टूल मौजूद है। अगर आपको पता नहीं है ना तो फेलियर हो जाएगा आपके लिए। आपको पता है कि ये टूल मौजूद है, देखो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं कि हाइफन लगाएंगे तो ये होगा या ऐसे लगाएंगे तो ये होगा। ऑब्वियसली टेस्ट के लिए तो आपको रट्टा मारना पड़ सकता है शायद, क्योंकि टेस्ट बुक से होता है, हो सकता है ये टेस्ट में आ जाए, आई एम नॉट श्योर। टेस्ट मैं नहीं बनाता, वो सैलानी की मैनेजमेंट बनाती है, सही है। लेकिन अल्टीमेटली इस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट का नाम शुरू किस कैरेक्टर से होता है उसको मैं सेलेक्टर लगा सकता हूँ, एंड किस कैरेक्टर से होता है उसको मैं सेलेक्टर लगा सकता हूँ, दरमियान का कोई कैरेक्टर पिक करना है उस पर मैं सेलेक्टर लगा सकता हूँ। जब लगाने की एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी, बुक आपके पास है, इंटरनेट पूरा आपके पास है, आपने फ़ौरन सर्च करना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया सीखने का तरीका, कि आपको पता होना चाहिए कि ये टूल्स अवेलेबल है। अब वो टूल्स कब कहाँ पे लगेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो है ना जो सेंस है वो आपको बताएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है बॉक्सेस। आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन CSS, क्योंकि CSS इज ऑल अबाउट बॉक्सेस। अभी जब हम ये शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कंट्रोलिंग द साइज ऑफ बॉक्सेस, ये इसमें बात डिस्कस हो रही है। बॉक्स मॉडल डिस्कस होगा फॉर बॉर्डर मार्जिन एंड पैडिंग। एक बॉक्स जो है वो बनता कैसे है, या एक बॉक्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे वो मिलके बन रहा होता है। डिस्प्लेइंग एंड हाइडिंग बॉक्सेस, किसी भी बॉक्स को हाइड या शो करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, ये बॉक्स का मतलब है, अभी वो आगे जिक्र भी आ जाएगा कि HTML का हर एलिमेंट एक्चुअल में एक बॉक्स है। एट द बिगेनिंग ऑफ दिस सेक्शन ऑफ CSS, यू सॉ हाउ CSS ट्रीट ईच HTML एलिमेंट एज इफ इट लिव्स इज इन ओन बॉक्स। कि शुरू में इसने जगह पे बताया था, जब पहला बिल्कुल इंट्रोडक्शन हुआ था CSS से, कि हर HTML का एलिमेंट ना एक बॉक्स है। तो ये जब बॉक्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये तमाम बॉक्सेस की बात कर रहे हैं। वो HTML का कोई भी एलिमेंट होगा ना, वो एक्चुअल में एक बॉक्स है। आपको बज़ाहिर वो बॉक्स जैसा दिख रहा नहीं होगा, लेकिन इनफैक्ट वो बॉक्स है। जैसे कि H1 की हमने हेडिंग अभी देखी, H1 पे हवर लगाया तो वो पूरा बॉक्स था ना लास्ट तक स्क्रीन के, तो वहाँ तक वो पकड़ रहा था होवर उसका। अच्छा, अब ये बताने का मकसद अभी आगे पता चलेगा क्यों बता रहा है। यू कैन सेट सेवरल प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट द अपेयरेंस ऑफ दीज बॉक्सेस इन चैप्टर, इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ। अब कह रहा है क्योंकि वो बॉक्स हैं तो उन पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं ना जिनसे उस बॉक्स की अपेयरेंस चेंज हो जाती है। उस बॉक्स की अपेयरेंस अगर आपने चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे H1 के सराउंडिंग में आपने बॉर्डर लगाना है एक, ठीक है, एक बॉक्स में पैक करना है उसको। अच्छा, तो क्या क्या बताएगा। कंट्रोलिंग द डायमेंशन ऑफ बॉक्सेस, विर्थ हाइट की बात होगी। क्रिएटिंग बॉर्डर अराउंड बॉक्सेस, बॉर्डर अगर बनाना पड़े। सेट मार्जिन एंड पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग, कौन मुझे बताएगा कि मार्जिन क्या होता है। अंग्रेजी में मार्जिन किस चीज़ को कहते हैं, फासले को कहते हैं। अभी प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी में जो जनरल लैंग्वेज है, फासले को प्रॉफिट को कहते हैं, बाउंड्री को कहते हैं। चलो थोड़ी रियलाइजेशन करवाता हूँ। जब हम बचपन में राइटिंग की क्लास होती थी हमारी, तो वो कहते थे लाइन खींचें इसमें, उसको मार्जिन बोलते थे, है ना।
और मार्जिन खींच के फिर हम काम करते थे। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होता था? सीधा लिखा जाता था, सही है, सीधा लिखा जाता था। और क्योंकि कॉपी में एक सर्टेन, अगर आप पेपर वाली जो नोटबुक होती है, जो कागज़ की कॉपी होती है, उसमें एक सर्टेन जो एरिया होता है वो यूज़ेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं पेपर, पेपर कॉपी की बात करूँ मैं, कॉपी तो खैर इसमें नहीं आई है, कुछ और ही आ गया, नोटबुक लिखूंगा ना, हाँ। अब देखो इसमें एक सर्टेन एरिया जो है ना वो यूजेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे जो जिसमें रिंग लगी हुई है ये हिस्सा तो यूजेबल नहीं है। अच्छा, फिर ये जो साइड में जो एरिया है ये वाला, ये भी यूज़ेबल नहीं है। अच्छा, ये क्यों यूज़ेबल नहीं है? कोई रीजंस बता सकते हो मुझे कि ये क्यों लग रहा है आपको कि यूज़ेबल नहीं है? हाँ, पैराग्राफ ख़राब हो जाता है। चलो मैं भी अपना ओपिनियन देता हूँ। देखो इस साइड वाला जो हिस्सा है ना, अगर मैंने बहुत आखिर तक लिखा तो पेपर, आपको पता है, सबसे पहले एजेस से ख़राब होता है। एजेस से सबसे पहले नोट वगैरह आप देखो, सबसे पहले एजेस उसकी ख़राब होती हैं। यही वजह है कि नोट में भी एजेस को प्लेन वाइट किया हुआ होता है ना, आखिर तक प्रिंट नहीं होता है एक्चुअली। तो वो लास्ट का हिस्सा जो है वो ज़ाहिर है। अच्छा, फिर इसी तरीके से यहाँ का जो हिस्सा है वो ज़ाहिर है कि अभी तो ये लगा हुआ है इसके ऊपर पेपर पे, लेकिन अगर मैं इस पेपर को यहाँ से निकालूंगा और किसी फाइल में अटैच करूंगा मैं, तो मैं वो फाइल का जो सुराख है वो किधर लगाऊंगा? वो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इस जगह पे लगाऊंगा। या इमेजिन करें इसको, मैं इससे मैं तीन पेजेस फाड़ के, जो भी लिखा गया था इस पर, तीन पेजेस फाड़ के मैं आपस में स्टेपल करता हूँ, तो स्टेपल कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, है ना। तो फॉर द सेफ साइड हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हैं। मार्जिन फॉर सेफ साइड, हम अपना मार्जिन रखते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई सामान खरीदा, अपना मार्जिन रख के आगे बेच दिया। अभी रियलाइज़ हो रहा है मार्जिन क्या मतलब है मार्जिन का? ठीक है, कि अपना थोड़ा सा सेफ साइड एक रखना है, एक लिमिट सेट करनी है कि यार यहाँ से आगे नहीं जाना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि उसको कभी स्टेपल करूँ मैं, हो सकता है कभी भी स्टेपल ना हो, लेकिन वो मार्जिन रखते हैं हम स्टेपल के लिए या और डिफरेंट यूटिलिटीज़ के लिए। वो हम जगह छोड़ते हैं, एक मार्जिन छोड़ते हैं। ठीक है, तो मार्जिन का ये मतलब है अंग्रेज़ी में। अच्छा, तो आते हैं जी, लिखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। ये मैं असल में इसलिए बता रहा हूँ कि मार्जिन को लेके बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है बाद में। अगर शुरू में आपको ये डेफिनेशन सही से समझ आ जाए ना, तो आगे कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो डेफिनेशन विल टेल यू कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, तो मार्जिन की पहली फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि द एज और बॉर्डर ऑफ समथिंग, ठीक है, वो बॉर्डर की वही बात हो गई कि एक बॉर्डर छोड़ते हैं हम, जो एन अमाउंट बाय विच समथिंग इज वॉन प्रोवाइडिंग एन एज और बॉर्डर, डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ मनी विद, अबे ये तो बहुत वो वाली एग्जाम्पल इसने बताई नहीं है। वो एग्जाम्पल इसने बताई नहीं है, असल में ये बहुत ज्यादा जनरलाइज एग्जाम्पल्स बता रहा है यार। इस वाले मार्जिन को क्या कहते हैं? अच्छा, मार्जिन टाइपोग्राफी कहते हैं इसको मार्जिन टाइपोग्राफी कहते हैं। अच्छा, ये हम एक लाइन यहां पढ़ लेते हैं। इन टाइपोग्राफी मार्जिन इज अ एरिया between the main content of the page and the edges of the page. The margin helps to define where the line of text begin and end. When a page is justified, spread out the flush, this. अच्छा, अब इसमें ना margin के अलावा वो एक gutter space भी होता है। हाँ, ठीक है। हम जो कहते हैं ना gutter, हम किसको कहते हैं gutter?
स्वेयर होल को कहते हैं ना, स्वेरेज को कहते हैं। तो गटर असल में वो उस होल के लिए वर्ड नहीं है अंग्रेजी में, गटर का मतलब कुछ और होता है। सही है, गटर का मतलब क्या होता है वो भी आज सुन लो यहाँ पे कि क्या कह रहे हैं, व्हेन टू पेजेस ऑफ कंटेंट आर कंबाइंड नेक्स्ट टू ईच अदर नोन एज टू पेज सेपरेटेड द स्पेस बिटवीन टू पेजेस नोन एज गटर। सही है, तो इसी वजह से हमारे जो गटर होती है ना हमारे पास, वो एक घर आगे होता है। मिसाल के तौर पे गली नंबर 8 में एक मतलब गली नंबर 8 है, गली नंबर 9 है। तो अब गली नंबर 8 और गली नंबर 9 के जो घर हैं उनका गटर एक साथ होता है ना, तो वो एक्चुअली जो स्पेस बिटवीन टू होम्स है ना उसको गटर कहते हैं, उस स्पेस को गटर कहते हैं। सही है, हमारे यहाँ जो घर होते हैं स्ट्रीट, अरे भाई क्या है ये, यहाँ पे तो वो वाला आ ही नहीं रहा, पाकिस्तानी स्ट्रीट तो आ ही नहीं रहे यहाँ पे। हाँ गूगल मैप लगाते हैं। सही है, अच्छा जी ये देखो मिसाल के तौर पे ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 2 है। अब यहाँ पे तो इस पे स्पेस नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन आम तौर पे ना इन एक गेट यहाँ होता है, एक घर ये अलग होता है और एक गेट पीछे होता है वो घर अलग होता है, बीच में उसके ना एक लाइन होती है और एक स्पेस छोड़ा हुआ होता है, वो असल में उस गंदी गली जिसको कहते हैं ना। सही है, हमने अपने ही नाम रखे हुए हैं गंदी गली। तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, गटर स्पेस कहते हैं। अब वो गटर स्पेस जो है वो किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होना चाहिए असूलन, पहली बात सेवरेज के लिए, दूसरा जो पानी के कनेक्शन होते हैं उसके लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए, टेलीफोन के, और 10,000 तरह की उसमें चीज़ें हैं, तो वो सारी वहाँ होनी चाहिए असूलन। वो जो डब्बे शब्बे लगे हैं, ब्रेकर व्रेकर लगे हैं, वो सब वहाँ होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ उसके अंदर फर्श करते हैं पहले, तो उसके बाद एक तरफ दरवाज़ा दीवार लगाते हैं, दरवाज़ा छोटा सा, दूसरी तरफ दीवार लगाते हैं, बीच में बकरियाँ पाल लेते हैं। यही करते हैं ना, ये मुर्गियाँ पाल लेते हैं, या कुछ बंदे ऐसी चेयर वेयर लगा के बैठक बना लेते हैं कि भाई हवा अच्छी आती है यहाँ पे। नहीं मतलब अलग ही यूटिलिटी बनाई हुई है। हाँ मतलब अलग अलग, आप मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे ना उसके बिल्कुल आपको अलग अलग यूज़ दिखेंगे। कुछ लोगों ने तो इवन ये भी किया हुआ है कि अपने घर को ना 2 डिवाइड मार दिया और एक गेट गंदी गली से खोल दिया, एक गेट मेन गली से खोल दिया। हाँ एक किराएदार वहाँ से आता है, एक किराएदार यहाँ से जाता है। तो लोगों ने ऐसे ऐसे यूटिलिटी निकाला हुआ है ना इस गटर स्पेस का कि यानी आर्किटेक्ट जो यूरोपियन होंगे, पता नहीं कोई अमेरिकन होंगे, जिन्होंने ये डिज़ाइन सोचा होगा कि अच्छा यार ऐसे होना चाहिए, वो सुन लेगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है जी, तो अभी ये टाइपोग्राफी की टर्म्स थी, ये नज़र आ गई, मैंने कहा चलो यार एक मज़ा के तौर पे आपको बता दूं मैं ये। अच्छा वापस आ जाते हैं बुक में, तो मार्जिन हमें समझ आ गई क्या होता है। अच्छा अब ये CSS के अंदर ना मार्जिन की एक डेफिनेशन है अपनी, ठीक है, वो क्या है वो भी थोड़ी देर में पता चलेगा। अच्छा पैडिंग अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं, फासला। कोई रियल लाइफ की एग्जांपल दे सकते हो क्या पैडिंग, वो तो तुम बॉर्डर के अंदर की तरफ तो CSS बता रहे हो ना, जनरल लाइफ में पैडिंग का मतलब क्या हुआ, पैड का मतलब क्या हुआ, नहीं आवाज नहीं आई तुम्हारी मुझे, नोट पैड, हाँ लिखने वाला जो पैड होता है नोट पैड, बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होता है उसमें पैडिंग दी हुई होती है, वो वाइट कलर का जो थर्मोपोल होता है। बच्चों शोर नहीं, हाँ भाई एक दोस्त कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हम अक्सर खरीदते हैं उसमें वाइट कलर के अंदर फॉर्म होता है, जो उस फॉर्म को पैडिंग कहते हैं, पैकिंग।
पेडस्टल ब्रिज, हाँ वो भी होता है लेकिन पैडिंग तो नहीं होता वो। पैडिंग देखो ING का मतलब पता है क्या है, कि ये एक ऑन गोइंग यानी प्रोसेस है। पैडिंग यानी किसी चीज़ को कर रहा, मिसाल में ड्रिंकिंग पानी पी रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, तो पैडिंग को मैं कुछ लगा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, टाइटल लिख रहा हूँ, नहीं नोट पैड वो उसको पता नहीं पैड क्यों कहते हैं, आई एम नॉट श्योर। हाँ भाई और किसी का कोई ओपिनियन? जी स्पेसर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये टाइल्स लगाते हैं जो उसके दरमियान में स्पेसर डालते हैं ताकि उसकी जो फासला है ना वो इवनली रहे। वेल अच्छा पैडिंग जो है वो पैड या पैडिंग किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं, जैसे आप ये सोफे पे बैठे हैं इसमें ये पैडिंग हुई भी है गद्दे की, सही है, जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। अच्छा इस पैडिंग का मकसद क्या है कि इस सोफे में मौजूद जो नीचे लकड़ी का स्ट्रक्चर है इसका वो और आपकी तशरीफ में कुछ फासला रहे नरम सा, सही है, वरना क्या होगा आप अगर लकड़ी के हार्ड स्ट्रक्चर पे बैठे हुए होंगे तो शायद उतना प्लेजेंट फील नहीं होगा आपकी तशरीफ को क्योंकि आप एक गद्दे की पैडिंग है उस पर क्या फॉर्म कहते हैं इसको, फॉर्म की पैडिंग है, इसलिए आपको अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा इसी तरीके से जैसे दोस्त ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसका जो बॉक्स होता है उसमें कुछ फॉर्म वगैरह ऐड कर देते हैं, कुछ थर्मोपोल ऐड कर देते हैं पैडिंग के लिए, ताकि ट्रैवल के दौरान अगर उस पर कुछ चोट लगे उसको या कोई उसको नोकदार चीज़ लगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डैमेज ना करे, बीच में एक पैड के तौर पर वो प्रोटेक्शन के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसकी CSS में भी इसी चीज़ को पैडिंग कहते हैं कि किसी चीज़ को हम क्या कर दें उसके जो एक्चुअल बॉक्स और उस चीज़ के दरमियान हम वो पैडिंग ऐड कर देते हैं। अच्छा तो अब हम आगे चलते हैं भाई, आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं ये, इन्होंने ये काफ़ी अच्छी सी वेबसाइट एक बनाई है इस चैप्टर में, तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी ऐसी वेबसाइट बना लें, सही है। ये तो खैर बोलने की ये बात नहीं है, कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के जो लास्ट में या शुरू में उसने एक एग्जाम्पल बताई है ना, वो आप ख़ुद से कोशिश किया करें, कोड भी लिखा हुआ है इसने लेकिन बगैर कोड देखे कोशिश किया करें उसको बनाने की कि यार इसने ये कैसे बनाई है, और फिर बाद में कोड मैच कर लें तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। अच्छा तो सबसे पहले तो बॉक्स के डायमेंशन की, अभी कोडिंग की बात होनी शुरू हो गई है यहाँ पर, बॉक्स के डायमेंशन की बात हो रही है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या दे सकते हैं, हाइट और विड्थ दे सकते हैं पिक्सल में। अच्छा पिक्सल में भी दे सकते हैं और EM में भी दे सकते हैं, हाँ। अच्छा लास्ट क्लास में किसी ने, दोस्त ने पूछा था कि EM और REM में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि वो अब तक हजम हो चुका होगा आपको, तो क्योंकि एक ब्रेक आया है हमारा बीच में एक क्लास का। अच्छा तो EM जो होता है वो अपने पेरेंट के फॉन्ट के साइज़ को देख रहा होता है, और REM जो होता है वो सिर्फ बॉडी के साइज़ को देखता है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी पैराग्राफ को 32 पिक्सल किया हुआ है तो मैं उसके अंदर जब EM लगाऊंगा ना तो 32 पिक्सल 1 EM होगा, लेकिन अगर REM लगाऊंगा तो REM एक 16 पिक्सल ही होगा जो बॉडी का होता है, ठीक है। तो REM और EM में ये फ़र्क है कि REM बॉडी का टेक्स्ट देखता है, रूट का जो टेक्स्ट है वो देखता है सिर्फ, साइज अपने पेरेंट का नहीं देखता तो यहाँ पर मैं EM या REM में भी दे सकता हूँ हाइट विड्थ। अच्छा इसी तरीके से परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, जो परसेंटेज जाहिर है शुरू में डिस्कस कर लिया था हमने, और आप देखें इसने क्या किया हुआ है कि एक डिव बनाया हुआ है, उसका जो साइज़ रखा है इसने वो 300 पिक्सल बाई 300 पिक्सल रखा है, ठीक है, यानी 300 चौड़ाई भी और 300 लंबाई भी, और उसका जो बैकग्राउंड है इसने वो पिंक दिया है इस बॉक्स का। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ इसने बनाया है उस पैराग्राफ की जो हाइट और विड्थ है वो 75% रखी है, 75% ऑफ इट्स पेरेंट। जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो जाहिर है पेरेंट की बात हो रही होती है, ठीक है, जो डायरेक्ट पेरेंट है उसका। अच्छा फिर बैकग्राउंड कलर उसको काइंड ऑफ इसने ग्रे पास किया है, तो आप देखें ये ग्रे कलर का पैराग्राफ मुझे थोड़ा छोटे साइज में दिख रहा है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ इसने बात लिखी है, मोस्ट पॉपुलर वे टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ बॉक्स इज यूजिंग पिक्सल परसेंटेज और EMS, ठीक है जी। ट्रेडिशनली पिक्सल हैव बीन मोस्ट पॉपुलर मैथड, अलाउ डिजाइनर टू एक्यूरेटली कंट्रोल देयर साइज
अच्छा, उसके अलावा परसेंटेज इज द साइज ऑफ बॉक्स इज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ब्राउजर विंडो और द बॉक्स इनकेस्ड विद इन अनदर बॉक्स इज अ परसेंटेज ऑफ द कंटेनिंग बॉक्स। कह रहा है कि अगर तो वो किसी बॉक्स में कंटेन्ड है, अगर आप उसको परसेंटेज देंगे ना, तो वो एक्चुअली अपने पेरेंट के साइज का परसेंटेज समझेगा कि भाई एक मेरा बॉक्स है वो 300 का है, मैं उसके अंदर कहता हूँ कि भाई अपनी विर्थ 90% कर लो, तो इसका मतलब है वो 300 का 90%। लेकिन अगर वो किसी बॉक्स में नहीं है, अगर वो रूट पे मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो ब्राउज़र के विंडो की विर्थ को फिर देख रहा होगा कि ब्राउज़र के विंडो का जो भी साइज़ होगा उससे अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा वो। अच्छा, व्हेन यूजिंग ईएमएस द साइज ऑफ द बॉक्स बेस्ड ऑन द साइज ऑफ टेक्स्ट विद इन इट। किसी भी बॉक्स को अगर मैं ईएम के बारे में करके देता हूँ कि भाई ईएम इतने ईएम हो जाओ आप, तो यहाँ पे इसने गौर करने वाली बात यह है कि ये ईएम, वन ईएम कितना कंसिडर करेगा, ये कंसिडर करेगा द साइज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ टेक्स्ट विद इन इट। उस बॉक्स का पेरेंट का साइज नहीं, बल्कि उस बॉक्स के अंदर लिखे हुए जो टेक्स्ट है ना, उससे ये कैलकुलेट करेगा कि कितने एम होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ को मैंने कह दिया कि आपकी विड्थ जो है वो कितनी है, 40 em है पैराग्राफ को, तो उस पैराग्राफ में टेक्स्ट का जो भी साइज होगा, एक लाइन में काइंड ऑफ 40 कैरेक्टर होंगे उसमें, ठीक है, एक लाइन में काइंड ऑफ 40 कैरेक्टर जितने पे आ जाएंगे उतना साइज कर देगा वो। समझ आ रही है ये बात? अच्छा, अगर मैं उस पैराग्राफ के टेक्स्ट के साइज को छोटा करता हूँ, तो वो बॉक्स ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, लेकिन लाइन में जितना टेक्स्ट है ना वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ टेक्स्ट नीचे आ रहा है लाइन से या ऊपर जा रहा है वापस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा है कि भाई आपकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 40 em है एक पैराग्राफ की, तो उस पैराग्राफ का जो भी साइज होगा इस वक्त टेक्स्ट का साइज 16 pixels है। अब 16 pixels में अगर 40 कैरेक्टर इतने साइज में आते हैं, तो वो इतना बड़ा ही रहेगा बॉक्स, ठीक है। ऑन अदर एंड अगर मैं पिक्सल में देता हूँ, अगर मैं पिक्सल में फिक्स हो जाता है फिर वो। अच्छा, पिक्सल में क्या होगा कि अगर मैं टेक्स्ट का साइज छोटा करता हूँ, तो उस लाइन में पहले 40 कैरेक्टर आते थे, अब 50 आएंगे क्योंकि टेक्स्ट का साइज छोटा हुआ है। ईएम में ऐसा नहीं होगा। अब ये करके देखने वाली चीज़ है कि दोनों में कैसे डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। डिजाइनर हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग द परसेंटेज एंड ईएमएस मोर फॉर मेजरमेंट्स एज दे ट्राई टू क्रिएट डिजाइन दैट आर फ्लेक्सिबल अक्रॉस डिवाइसेस व्हिच हैव डिफरेंट साइज्ड स्क्रीन्स, ठीक है। तो अभी ये ज़्यादा पसंद आने लग गया, ये ईएम वाला जो तरीका है वो रिसेंटली लोगों को ज़्यादा पसंद आने लग गया। ये 2009 में बात कर रहे थे, अब और ज़्यादा है। अभी इसमें जो REM भी अब आ गया है, उस वक्त शायद नहीं था ये REM। अच्छा, अब एक तो हो गया सीधा सीधा विड्थ फिक्स हो गई कि 300 pixels by 300 pixels, वो आगे पीछे नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है, लिमिटिंग विड्थ, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ। अच्छा, मैक्सिमम विड्थ जब आप लगाते हैं, देखो एक पैराग्राफ है, जब उसको मैं प्लेस करता हूँ डॉक्यूमेंट पे, तो उसकी चौड़ाई क्या होती है, 100% जितना उसको मिलेगा, जब वो पूरी चौड़ाई ले लेगा, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जितना भी उसको जगह मिलेगी वो ले लेगा। यहाँ पे मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं लिमिट कर सकता हूँ कि अगर तो मैंने देखो बोला ना कि भाई तुम्हारी जो चौड़ाई है वो हो जाए 800 pixels, अगर तो मैंने ये बोला, तब वो स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो वो 800 पे ही रहेगा। लेकिन इमेजिन करो, मैंने उसको बोला मैक्सिमम विड्थ 800, इसका मतलब है कि स्क्रीन मेरी 1000 pixels की है, नॉर्मली स्क्रीन 1000 pixels की है आप हमारे सराउंडिंग में, उससे वो क्या होगा, काइंड ऑफ 80% पे वो दिख रहा होगा मुझे पैराग्राफ। अच्छा, लेकिन ये मैंने सिर्फ मैक्सिमम बोला है उसको, मिनिमम का मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैक्सिमम विड्थ आपकी 800 होनी चाहिए, मिनिमम वो हो सकता है, इमेजिन करो कि स्क्रीन ही छोटी हो जाए थोड़ी देर के बाद, तो स्क्रीन छोटी होगी तो क्या होगा, फिर वो फुल विड्थ लेना शुरू कर देगा। अगर इमेजिन करो स्क्रीन 400 पिक्सल पे खुले हो, वही सेम डॉक्यूमेंट, तो वो मैक्सिमम विड्थ जो 800 है वहाँ तक तो वो रीच ही नहीं कर रहा, तो जितनी वो जगह मिलेगी वो पूरी ले लेगा। अच्छा, इसी तरीके से मिनिमम विड्थ भी है, ठीक है। अच्छा, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की मिनिमम विड्थ क्या है, फुल लेंथ लेगा, फुल विड्थ लेगा जो भी अवेलेबल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम विड्थ उसकी क्या है, 0 or 1 pixel। इमेजिन करो कि स्क्रीन छोटी होकर 1 pixel चौड़ाई हो जाए, तो 1 pixel हो जाएगा वो, है ना।
वन पिक्सल तो खैर नहीं होगा, ये रियलिस्टिक बात नहीं है, ये मिनिमम जो है वो 200 पिक्सल तक की स्क्रीन है, जो 200 पिक्सल चौड़ा है। जो अभी वो नए वाले फ़ोन आया ना कुछ, उसमें ऊपर उन्होंने वो छोटा सा चुमना सा लगा दिया है, पता नहीं क्या सोच के लगाया है, वो 200 पिक्सल का होता है या पता नहीं 150 पिक्सल का होता है, तो उससे छोटी स्क्रीन मौजूद नहीं है ऑब्वियसली। अगर मैं दिखा भी दूँ, अगर कोई गेट नहीं कर पा रहा है यार, मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन वो कौन सा यार वो फ़ोन जो छोटा ऐसे वो खुलता है, वो खुलने वाला फ्लिप है ना, हाँ फ्लिप। ऐसे 4-5 आ गए हैं अभी ना रिसेंटली, ये रहा, ये देख रहे हो, ये जितना कैमरे का साइज है ना इतनी ही इसकी हाइट है, और विर्थ अब देख लो विर्थ क्या होगी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इसकी विर्थ क्या है, वो स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ होगा कि इसकी पिक्सल में क्या विर्थ है। अच्छा एक और भी वो है जी फोल्ड है मेरे ख्याल, वो जी फोल्ड में भी ऊपर इन्होंने एक स्क्रीन दी है, वो काफ़ी नैरो है, मतलब ना ये जब अंदर से खुलता है ना, अंदर तो काफ़ी बड़ा वो टैबलेट साइज़ की स्क्रीन है, ये अंदर वाला ना मुझे दिख नहीं रहा, ऊपर वाला, ऊपर की स्क्रीन ना कहीं पे अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पा रही। यहाँ तो इन्होंने ऐसे शेप वो दिखाया ना, एक वो दिखाया है, क्या कहते हैं उसको, जिसमें ये अच्छी लगे इनकी स्क्रीन। वेल अगर अब इसको देख के विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये कितने चौड़ाई में कितनी है, तो वो कर लें। वेल अब इसका वो भी तो देख सकते हैं ना, स्पेसिफिकेशन उसमें हमें पता चल जाएगा कितनी है। जी फोल्ड 3 GSM, अरे नहीं इसमें ये बताएंगे ना स्पेक्स, स्पेक्स बताएंगे ना, ये डिस्प्ले में मेन डिस्प्ले, और ये तो मेन डिस्प्ले की बात है, सब डिस्प्ले, ये रहा सब डिस्प्ले, तो यार ये बहुत ज़्यादा है वो बता रहे हैं, 832 नहीं यार इतना, 832 तो बहुत होता है। अच्छा नहीं मगर इनका ये वो बहुत ज़्यादा है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ज़्यादा है इनका, तो सही है 800 ही होगा ये। लेकिन आप इसका रेशो अगर निकालेंगे ना, ये रेशो का बहुत नैरो है ये, क्योंकि जाहिर है ये तो हार्डवेयर लेवल पे 800 पिक्सल है ना, ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सिमुलेट करेगा इतने पे थोड़ी करेगा, इसके आधे से भी कम पे करेगा इसको ये। क्योंकि अगर इस पे कर देंगे ना तो आइकन्स वाइकन्स टेक्स्ट बहुत छोटा हो जाता है फिर, तो इसको सिमुलेशन हमेशा 800 पिक्सल जो है ही है, लेकिन सिमुलेशन कम पे होगी। मिसाल के तौर पर मेरा जो डिस्प्ले है इस वक्त, मेरा डिस्प्ले 2K डिस्प्ले है, यानी 2500 है इसकी जो चौड़ाई में पिक्सल है ना इसके, वो 2500 के अराउंडिंग है, लेकिन सिमुलेशन जो इसकी हुई हुई है वो 1100 समथिंग पे हुई हुई है। तो मतलब जब मैं ब्राउज़र पे देखता हूँ और ब्राउज़र पे जब उसकी विड्थ उठाता हूँ तो मुझे वो 1100 समथिंग मिलता है, 1144 और समथिंग, या जब से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ तो इसकी भी जो रेजोल्यूशन मिलती है मुझे वो स्क्रीन के साइज़ की होती है। वेल नहीं दिख रहा यार कहीं पे यहाँ पे। अच्छा तो हम बात करते हैं मिनिमम विर्थ, तो मिनिमम विर्थ क्या है फिर, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की मिनिमम विर्थ है 150 पिक्सल जो उसका साइज है, या 300 पिक्सल जो भी स्क्रीन का साइज है वो उसकी मिनिमम विर्थ है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर इमेजिन करें मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, अब हेलो और वर्ल्ड ये एक सर्टेन साइज लेगा ना, उस एलिमेंट का साइज भले छोटा हो जाए वो टेक्स्ट ओवरफ्लो करके बाहर निकलेगा, यही होगा ना, बल्कि इसको बना लेते हैं ना, यहाँ पे कोड लिख के ज़्यादा शायद डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी होगी। अब जैसे ही लिखा हुआ है ना गूगल फॉन्ट्स, इसी को ही हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अच्छा इस पर वो बॉर्डर लगा देते हैं ना ताकि पता चले कि ये क्या है, मतलब कहाँ तक है इसका हिसाब किताब, H1 और मैंने कहा कि बॉर्डर और 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ये इस पे मैंने बॉर्डर लगा दी। अब देखो मुझे दिख रहा है कि इसकी विड्थ इस वक्त कितनी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ, और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे ना मेरे पास देखो एक छोटा सा यहाँ पे आइकन बना हुआ है, इसको दबाऊंगा तो ये मोबाइल डिवाइस का ना टूल खुल जाएगा मेरे पास। अच्छा अब देखो स्क्रीन जैसे बड़ी होती है ये पूरी विड्थ लेता है, स्क्रीन जैसे छोटी होती है देख रहे हो, ये देखो स्क्रीन छोटी होने पे क्या हुआ, टेक्स्ट जो मेरा वो बॉक्स से बाहर निकल गया,
और उससे भी पहले क्या हुआ, उससे पहले ये हुआ कि जब ये बॉक्स में ना इनफ साइज नहीं था तो टेक्स्ट नीचे आ गया, रैप हो गया। मैं ये चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट कभी भी रैप ना हो, मे बी, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट बस इतने से। हाँ क्या हुआ, अबे क्या हो जाता है ये स्क्रीन को। हाँ भाई चलो सेट है, ओके। अच्छा तो मिनिमम विर्थ पे ना मैं लिमिट लगा सकता हूँ, मिनिमम विर्थ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट लगा सकता हूँ। तो फिर क्या होगा, जब ये इतने पे आ जाएगा ना, इतने पे आने के बाद फिर ये मज़ीद छोटा नहीं होगा, फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाएगा मेरी स्क्रीन में, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा ये। अभी आप नोट करें मेरी स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आ रहा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर नहीं आ रहा। वर्टिकल स्क्रॉल तो है मेरे पास, देख रहे हो वर्टिकल स्क्रॉल आ रहा है, एक ऐसे ऊपर नीचे करने वाला एक छोटा सा स्क्रॉल बार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आ रहा। इसी तरीके से अब देखो ये मेरा पैराग्राफ जो है, ये क्या हो जाता है अल्टीमेटली, इतना छोटा हो जाता है। वो वाला क्या यूट्यूब चला रहे हो यार, यहीं पे से कोई बंदा है ये मेरे हिसाब से। यार देखो अब इस तरीके से ना नहीं होता, इस तरीके से नहीं करो बेटा, इस तरीके से नहीं करो, क्योंकि फिर मुझे अल्टीमेटली देखो करना ही होगा कि उनसे तुम्हारा वाईफाई बंद करवाना होगा। स्टूडेंट वन है ना जिससे तुम लोग कनेक्टेड हो, वो बंद हो जाएगा दो मिनट में सारे डिस्कनेक्ट हो जाओगे बिला वजह, ठीक है, तो वो हो जाता है, कोई मसला नहीं। देखो मैं जिस वाईफाई से कनेक्ट हूँ उसका नाम कुछ और है, ठीक है, बाई द वे मैं भी स्टूडेंट वन से ही कनेक्टेड हूँ, लेकिन ये SMIT मैनेजर है जो हमारे लिए इन्होंने बनाया हुआ है जिस पर ये शो होता है। अब ये मेरा ख्याल है इनसे नेटवर्क वालों से बात करनी पड़ेगी कि मैं स्टूडेंट वन पे हूँ और ये शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको भी शो हो रहा है और आप में से ही कोई ये कर रहा है हरकत बार बार, ठीक है, तो पहले तो ये नेटवर्क वालों से बात करके ये सही करवाना पड़ेगा, ये बग आ गया अभी, ठीक है, तो अपने ऊपर रहम करो इससे पहले कि तुम्हारा इंटरनेट बंद हो सब लोगों का, सुधर जाओ, है ना, मतलब डिस्टर्बेंस होगी ना, एक प्रॉब्लम होगी ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो। अभी आप सब लोग लैपटॉप में सबके इंटरनेट कनेक्टेड है, कोई टू फैक्टर वगैरह का इशू आता है कुछ भी आता है तो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो ख्याल करो थोड़ा। अच्छा देखो अब यहाँ पे जो मेरे पास जो पैराग्राफ है इसको मैं जब छोटा करता हूँ स्क्रीन को, यानी 100 पिक्सल पे जब आता हूँ मैं, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि मेरे पैराग्राफ में ना एक लाइन में एक ही वर्ड होता है, ये देख रहे हो, एक लाइन में एक वर्ड पहुँच जाता है। मैं चाहता हूँ मेरा पैराग्राफ इतना छोटा कभी भी ना हो, क्योंकि ये रीडेबल नहीं रहा ना अब तो ये, ठीक है, इन सर्टेन सिनेरियो मैं ये चाहता हूँ कि ये इससे ज़्यादा छोटा ना हो, तो मैं क्या करूँगा इस पर भी आके लिमिट लगा दूंगा कि मिनिमम विर्थ क्या होनी चाहिए। अच्छा मैक्सिमम विर्थ पहले तो मैक्सिमम विर्थ लगाते हैं ना, इस पर मैक्सिमम लगाऊंगा तो ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, इस पर मैक्सिमम विर्थ लगाता हूँ मैं, फिर मिनिमम भी लगाते हैं, दोनों लगा के देखते हैं। मैक्सिमम विर्थ मैंने कहा कि यार आप हो जाओ 12 EM हो जाओ, सही है, ये मैक्सिमम विर्थ 12 EM हो गया, जो भी इसके अंदर साइज था वो 12 M के बराबर इसका साइज हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है शायद ये बड़ा है अभी भी, इसको थोड़ा छोटा करते हैं 6 EM, सही है 6 EM इज़ मच बेटर आई थिंक। मैंने कहा भाई इतना होना चाहिए कि अच्छा इस पर वो हवर अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मोबाइल डिवाइस में होवर नहीं चलता, पता है ना मोबाइल डिवाइस में कर्सर थोड़ी होता है, माउस नहीं होता, तो मैं इसको हटाऊंगा तो ये देखो कर्सर चलने लग गया। अब क्या होगा कि ये इस बॉक्स के अंदर जब मेरा कर्सर होगा ना, जब ही ये रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये। मैंने बट ये मैंने क्या किया है, इसको मैंने मैक्सिमम विर्थ दी है, इसका मतलब ये है कि स्क्रीन का साइज़ जब छोटा होगा तो ये विर्थ कम भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये देखो कम हो रही है। अब कम होने पे भी मैं चाहता हूँ कि यार सर्टेन एक इतने तक आए, इससे नीचे ना जाए, है ना, इससे नीचे जाने पे देखो मेरा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाता है, इतने पे मैं रोकना चाहता हूँ इसको मिनिमम को, ठीक है, या मैं इतने पे रोकना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं आता हूँ इधर, इस एलिमेंट को यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सही है, नीचे यहाँ पे स्टाइलिंग शो हो जाती है ना, तो मैंने उसको बोला कि भाई जो मिनिमम विड्थ है ना आपकी, मिनिमम विड्थ जो है आपकी वो क्या हो जाए 4 EM हो जाए,
4 EM इतनी है, देखो इससे नीचे नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, 5 EM किया है इस बार मैंने इसको, देखो 5 EM ना एग्जैक्टली आके ना टी से आके रुक जाता है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाता है नीचे, देख रहे हो? अब सब कुछ छोटा हो रहा है लेकिन ये छोटा नहीं हो रहा, ये इतने पे ही रहेगा, अब ये माइक्रो हो जाएगा जो भी होगा लेकिन इससे छोटा नहीं होगा ये। अच्छा अब यही सेम चीज़ मुझे पैराग्राफ पे करनी है, मैंने कहा इस पैराग्राफ को कि ये चलो इतना हो जाए बस, जितनी हेडिंग है ना इतने साइज तक आ जाए, इससे ज़्यादा छोटा ना हो, ठीक है? तो मैं इसमें एक सर्टेन ईएम लगा दूंगा, मैंने कहा कि भाई आपकी जो मिन विड्थ है उस पर मैंने कहा कि यार 30 EM हो जाए, नहीं 30 EM ज़्यादा हो गया, सही है, सही है 12 EM। देखो अब एक सर्टन नहीं 12 से थोड़ा बढ़ा देते हैं, 13-14 कर देते हैं, ये देखो बस अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता ये, ठीक है? नीचे वाला हो रहा है छोटा, ये नहीं होगा अब, देख रहे हो? इसको मैंने रोक दिया यहाँ पे। अच्छा जब ये वाला काम हो जाएगा तो मेरे पास स्क्रॉल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाएगा नीचे, अभी वो एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा, उसके लिए मुझे उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, इस स्क्रीन पे लाके ना जब उसको मैं रिफ्रेश करूँगा, और ये भाई वो तो स्टाइलिंग ही ख़त्म हो गई। खैर आओ यहाँ पे, अब मिन विड्थ मैंने कहा कि 5 EM मैंने मिन विड्थ रखी थी इसमें, और जो मेरा पैराग्राफ था कौन सा वाला पैराग्राफ था, जो फर्स्ट पैराग्राफ था, ठीक है? अब इस फर्स्ट पैराग्राफ पे मैंने सिर्फ स्टाइलिंग लगानी है, मैं क्या लिखूँगा? इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग, यही लिखूँगा ना मैं, तो मैंने कहा कि भाई H1 का जो एडजेसेंट सिबलिंग है ना, H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कैसे लिखते हैं कोई बता सकता है? मुझे भी नहीं पता कैसे लिखते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, सही है, CSS लिख दिया साथ में, तो ये फौरन दिख जाता है, मतलब मुझे भी पता होना ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये देखो दिख गया फौरन मुझे। अच्छा क्योंकि ये ऐसा सेलेक्टर है जो डेली यूज़ नहीं हो रहा होता तो इसलिए याद नहीं होता, लेकिन जब मैं ये मिसाल के तौर पर किसी ऐसे सिचुएशन में पढ़ता हूँ कि मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ, जैसे इसको याद है इसने मे बी डेली इसको यूज़ किया हो, तो वो फिर मुझे याद भी हो जाएगा, इसका भी कोई मसला नहीं है। अच्छा इसमें मैंने कहा भाई कि मेरी जो मिन विड्थ है ना वो हो जाए 13 EM हो जाए, सही है, यही किया था ना हमने रिफ्रेश। क्या हुआ इस पर अप्लाई नहीं हुआ ये? P1 क्या? नहीं नहीं मैंने कहा H1 का जो एडजेसेंट सिबलिंग है ना, तो ये रहा ना H1 का एडजेसेंट है तो सही है, सही तो लिखा है मैंने, और इस पर अप्लाई हो भी गया ये। अच्छा नहीं 13 EM शायद मैंने बहुत कम लगा दिया, 13 EM मैंने कम लगा दिया भाई। हाँ अब ये यहाँ पे रुक रहा है, देखो 18 EM पे अभी यहाँ रुक रहा है, सही है, और स्क्रॉल भी आ रहा है इसमें, सही है। तो मैंने इसको एक 20 EM दे दिया एक अंदाजन, देखो इस पॉइंट पे आके ना, नहीं यार हाँ जी भी भेज देता हूँ, वेल तो
थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके हमने देख लिया कि भाई ये मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का क्या चक्कर है। अच्छा, जब ये पूरी स्क्रीन मिलेगी तो ये पूरे पे जाएगा। अच्छा, सम टाइम में शायद ये चाहता हूँ कि यार इससे ज़्यादा नीचे ना जाए। मिसाल के तौर पे अगर बहुत छोटी स्क्रीन हो जाती है तो ये मेरा पैराग्राफ क्या हुआ, पूरी एक लाइन में ही आ गया। मैं ये भी नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि पूरी एक लाइन में आने का मतलब है कि पूरी स्क्रीन पे उसको फॉलो करना होगा आखिर तक, ये भी मुश्किल है। तो इसको मैं कैसे लिमिट करूँगा, मैक्सिमम विड्थ की लिमिट कर दूंगा, क्योंकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की मैक्सिमम विड्थ क्या है, जो स्क्रीन का साइज़ है। भाई 4K स्क्रीन है तो 4000 पिक्सल है मैक्सिमम विड्थ, जो कि मैं नहीं चाहता। पैराग्राफ मैं चाहता हूँ कि तीन लाइन में दिखे मेरा हमेशा, तीन लाइन से कम ना हो, दो लाइन पे ना आए, कभी भी ना आए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे करके, इंस्पेक्ट एलिमेंट, सही है, अभी भी ये दो लाइन में हुआ है ना, मैं चाहता हूँ ये तीन लाइन में दिखे हमेशा। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको बोलूँगा कि भाई आपकी जो मैक्सिमम विड्थ है ना, जो वो क्या हो जाए, वो 40 EM, हाँ सही है, 40 EM हो जाए मैक्सिमम विड्थ। अब देखो स्क्रीन जब छोटी होगी ना तो ये चार लाइन पे तो जाएगा, लेकिन जब स्क्रीन बड़ी होगी ना तो ये एक लाइन में नहीं आएगा कभी भी। ऑन अदर एंड जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उस पर ये नहीं लगा हुआ, तो देखो ये पूरे का पूरा एक लाइन पर आ गया। मैं चाहता हूँ ये तीन लाइन पर ही रहे मेरा जो पैराग्राफ है, ताकि अगर बड़े टीवी पे या बड़ी स्क्रीन पे भी किसी ने खोल दिया तो वो अगर पढ़ना चाह रहा है इसको, तो वो इसको इतना ज़्यादा पूरी लंबी स्क्रीन पे उसको फॉलो ना करना पड़े। अब ये छोटे छोटे मेरे यूज़ केसेस बता रहा हूँ मैं, इसके बहुत सारे अलग अलग यूज़ केसेस और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम विड्थ भी मैंने देख लिया। अच्छा, इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम हाइट भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, मैक्सिमम विड्थ 40 EM, ठीक है जी। तो लिमिटिंग विड्थ यहाँ पे हमने समझ लिया, लिमिटिंग हाइट ऑब्वियसली वो सेम चीज़ है, लेकिन बजाय विड्थ में ये हाइट में सेम चीज़ हो रही होगी। अच्छा, ओवरफ्लो कंटेंट जो है इसको हम वापस आगे बढ़ते हैं, अभी आप लोग ना नमाज पढ़ने चले जाएं सब लोग, और फिर हम छुट्टी करेंगे, सही है। अच्छा, ओवरफ्लो कंटेंट क्या चीज़ है, कि जब भी आपका जो बॉक्स है उससे जब कंटेंट ओवरफ्लो करेगा, ये शेयर नहीं हुई स्क्रीन, तो अगर बॉक्स आपका छोटा पड़ जाए और कंटेंट आपका ज़्यादा हो जाए तो क्या हो, तो इस चीज़ के लिए ना ये ओवरफ्लो का आपके पास कॉन्सेप्ट मौजूद है। अच्छा, आ जाते हैं वापस यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट पर, इसका मैंने जूम लेवल इस पर ज़ीरो कर दिया। अच्छा, क्योंकि हम पैराग्राफ के साथ कर रहे हैं तो पैराग्राफ पे ना एक मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ, ताकि एग्जैक्टली दिखे कि पैराग्राफ कहाँ तक इस वक्त आ रहा है। तो मैंने पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा दिया, 1 pixel सॉलिड पिंक, सही है, आपका फेवरेट कलर। किस किस का फेवरेट यार, पिंक तो दिख रहा ही नहीं है। सही है, तो ये मैंने एक, बल्कि इसको 2 pixel कर देता हूँ ना, 1 pixel की वजह से ही नहीं दिख रहा, हाँ 2 pixel सही दिख रहा है ना। तो ये यहाँ तक मेरा बॉक्स है। अच्छा, अब देखो ये जब इसको मैं छोटा करता हूँ स्क्रीन को, अब देखो बॉक्स छोटा हो रहा है, बॉक्स छोटा हो रहा है तो ये छोटा होता जा रहा है और कॉन्टेंट जो है ना नीचे जाता जा रहा है, लेकिन असल में ये इस वजह से नीचे जा रहा है क्योंकि एक वर्ड जो है ना उसको ये एक कंटेंट का पार्ट समझता है, और ये टेक्स्ट एक ऐसा कंटेंट है जो नीचे जा सकता है, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा होता है जैसे कि इमेज, वो तो नीचे नहीं जा सकती। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं इसको देखो ज़्यादा छोटा करता हूँ, जब फिर ख़त्म हो गया वहाँ से, फिर भाई क्या है ये, क्या सीन हो रहा है, जब ये ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, तो एक तो तरीका ये था कि मैंने इसको मिनिमम विड्थ लगा दिया, मिनिमम विड्थ लगा के मैंने इसको रोक दिया, देख रहे हो ऊपर जो गूगल फॉन्ट जिसमें लिखा हुआ है वो रुक जाता है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले क्या होता था, कंटेंट उससे बाहर निकल जाता था। अगर इसका मिनिमम विड्थ हटा दूँ मैं, ठीक है, मिनिमम विड्थ मैंने रोक दिया थोड़ी देर के लिए, तो अब देखना क्या होता है, पहले तो वो रैप होता है क्योंकि ज़ाहिर है टेक्स्ट है ना, रैप होगा वो, लेकिन जब वो रैप नहीं हो पाता ना सर्टेनली एक सर्टेन साइज़ के बाद वो रैप नहीं हो पाता, देखो जी का ना ई बाहर आ रहा है, देख रहे हो ई बाहर आ गया इसका, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ओवरफ्लो।
अच्छा, तो ये टेक्स्ट में नहीं, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है ये फिनोमेना, ठीक है। तो मैं इसको बेटर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करता हूँ, एक इमेज लगा लेता हूँ। इमेज लगा लें, क्या करें, इन्होंने बुक में क्या लगा के दिखाया है? अच्छा, हाइट पे ये ज़्यादा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, हाइट पे भी हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है ना, मिनिमम मैक्सिमम विड्थ तो मैंने इस पैराग्राफ पे लगाई हुई है, मैं मिनिमम मैक्सिमम हाइट भी लगा सकता हूँ इस पे, है ना। यहाँ तक मैंने मिनिमम इसकी विड्थ यहाँ तक सेट की हुई है, यहाँ से नीचे ना जाए ये। लेकिन अब इसमें होता क्या है, बहुत अच्छा बुक में एग्जाम्पल दिया उसने, हाइट पे जो एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छी एग्जाम्पल है मैं समझता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे विड्थ कम होती है कॉन्टेंट क्योंकि रैप हो रहा है तो हाइट बढ़ाता जा रहा है। अब इमेजिन करो मुझे हाइट को भी लिमिट करना पड़ जाए कि भाई ये हाइट जो है ना इसकी, वो एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार, पाँच, छः, सात लाइन है ना, मैं पाँच लाइन पर इसको लिमिट करना चाह रहा हूँ कि हाइट इससे ज़्यादा बड़ी ना हो। तो हाँ, पाँच लाइन तक की हाइट मैंने सेट करनी है इस पर। अगर ऐसे आमतौर पर शायद बहुत कम ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट ओवरफ्लो ये मैं करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैक्स हाइट जो है आपकी वो क्या हो जाए, 5 EM हो जाए। सही है, 5 लाइन की मैंने हाइट रख दी, 1, 2, 3, 4। अरे 5 EM में 4 लाइन क्यों आ रही है? अच्छा, बीच में स्पेसेस भी है ना उसके, तो मैंने 6 EM कर दिया इसको, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 5 लाइन पे आप सेट हो जाओ। अच्छा, तो जब तक तो विड्थ इसकी रहती है ज़्यादा तब तक तो सही है, लेकिन जैसे ही मैं विड्थ कम करता हूँ, ठीक है, तो हाइट बढ़ते 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 5 EM पे आके हाइट रुक जाती है बढ़ना, और उसके बाद ये टेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता इससे एक लाइन करके और दो लाइन करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक सेट था ये, एक लाइन बाहर आई, ये देखो, फिर दो लाइन बाहर आई, तीन लाइन बाहर आई, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो अगले वाले पैराग्राफ के ऊपर चढ़ना शुरू हो जा रहा है टेक्स्ट। तो ये अपने बॉक्स से बाहर निकल गया इसका कॉन्टेंट। इस फिनोमेना को हम कहते हैं ओवरफ्लो। अब इस एलिमेंट को मैंने यहाँ से पिक किया और मैं यहाँ पे आके ओवरफ्लो की स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकता हूँ कि जस्ट इन केस अगर ओवरफ्लो होता है तो क्या करना है आपने। अच्छा, इस वक्त ओवरफ्लो जो हुआ है वो हुआ है डिस्प्ले। मैं कह सकता हूँ कि इसमें ओवरफ्लो आप कर दो, ठीक है, हिडन। तो हिडन करने से क्या होगा कि वो टेक्स्ट देखो अंदर गायब हो गया जाके, नोट कर रहे हैं, वो जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वो एक्चुअली वो टेक्स्ट ही गायब होता जा रहा है, हिडन कर दिया मैंने उसको। उसके अलावा ओवरफ्लो में मेरे पास ऑप्शन मौजूद है स्क्रॉल। स्क्रॉल से क्या हुआ कि जैसे ही मेरा जो पैराग्राफ था वो छोटा होता है जैसे ही, तो मेरे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाता है, बजाय इसके कि वो बिल्कुल ही छुप जाए, एक स्क्रॉल बार आ जाता है मेरे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हिडन भी कर सकते हैं आप इसको, स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रॉल जब आप करते हैं तो ये इतना बड़ा सारा स्क्रॉल बार बना हुआ आ जाता है, आप चाहें तो स्क्रॉल बार को बाद में हाइड भी कर सकते हैं, स्क्रॉल बार को CSS के ज़रिए हाइड या उसकी स्टाइलिंग को इंटायरली चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अभी हमारे पास बॉक्स मॉडल है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम जब शुरू करेंगे तो इस बॉक्स मॉडल से शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट समझ लो कि मैंने अभी सिर्फ लिखा है ना ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो से देखो क्या हुआ कि स्क्रॉल मैंने किया ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल दोनों एक साथ बना हुआ है, जैसे हम लास्ट टाइम करते थे ना कि जैसे बॉर्डर रेडियस हमने पढ़ा है अभी तक, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नहीं पढ़ा। वेल, तो जब मैं ओवरफ्लो कहता हूँ तो ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई दोनों की बात हो रही होती है, समटाइम साइड से निकलेगा, समटाइम नीचे से निकलेगा, ओवरफ्लो कहीं से भी हो सकता है, तो ये दोनों की बात हो रही है। बट मुझे इस वक्त क्या चाहिए, सिर्फ ओवरफ्लो वाई चाहिए कि वाई एक्सेस में जब ये ओवरफ्लो यानी नीचे से निकले, तो मैं इसमें बोलूंगा ओवरफ्लो वाई, सही है, लाइक दिस। बुक में इसका जिक्र नहीं है ओवरफ्लो वाई का, लेकिन ये भी कर सकते हैं आप। तो इससे हुआ क्या, आप देखें स्क्रॉल बार सिर्फ एक तरफ बना हुआ है, दूसरी तरफ बना हुआ नहीं आया है। अच्छा, जिस तरफ मैंने नहीं लगाया है उस पर क्या प्रॉपर्टी होगी ओवरफ्लो की, डिफॉल्ट जो होती है वही होगी, सही है। एक जिस तरफ मैंने बोल दिया स्क्रॉल उसका चेंज हो गया, दूसरी वाली जो साइड है उसकी जो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है वो डिफॉल्ट रहेगी, सही है। अच्छा, इसी तरह मैं ओवरफ्लो वाई करके अलग से भी बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक साइड का ओवरफ्लो मैं हिडन करा दूँ, दूसरी साइड का स्क्रॉल करा दूँ, या एक साइड का स्क्रॉल करा के दूसरी साइड का, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो ये मेरे पास एक टूल मौजूद है कि जस्ट इन केस अगर मुझे पता है, अगर या मुझे लग रहा है
कि मेरा ये कंटेंट इस बॉक्स से ओवरफ्लो हो सकता है, बाहर आ सकता है, तो उसकी स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई ओवरफ्लो होने पे आपने क्या करना है, और एक्स और वाई का अलग अलग भी कर सकता हूँ, एक साथ भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला है ना, ये बॉक्स मॉडल, ये ऑब्वियसली इसका टेक्स्ट आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा तो पढ़ कर आइएगा। तो यहाँ से हम जो है ना नेक्स्ट क्लास अपनी शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक फ्लैक्स बॉक्स नामी चीज़ है, कोशिश करेंगे वो भी हम कवर करें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर नेक्स्ट में नहीं कर पाए तो उससे अगली में फिर हम फ्लैक्स बॉक्स कवर करेंगे। हाँ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्विज़ तो यार अभी बता देंगे आपको, ये एक हफ्ते पहले अनाउंस कर, यार कह नहीं सकता मैं अभी कुछ, सही है, कर दूंगा अपलोड कर दूंगा, कभी ना कभी कर ही दूंगा, अभी नहीं कर रहा लेकिन।